चले वो देखिए क्वेश्चन गया, क्वेश्चन भेज, क्वेश्चन भेज दे रहे इधर देखिए, अभी हम लोग गॉर्डन भेज दे रहे क्वेश्चन पेपर, गॉर्डन मॉडल से रिवीजन करें, गॉर्डन मॉडल को रिवीजन करें, देखिए गॉर्डन मॉडल रिवीजन करा रहे बाबू। तो जैसे बच्ची ने फॉर्मूला कहा कि P इक्वल टू गॉर्डन मॉडल से अगर आप प्राइस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वॉल्टर और गॉर्डन दोनों में से कोई एक तो आएगा, वॉल्टर रिवीजन करा दी, अभी गॉर्डन रिवीजन करा रहे। तो पी मतलब प्राइस, पी मतलब हेयर, सिंबलाइज कर लीजिएगा पहले। तो यहां पर क्या मतलब है इसका, देखिए ई मतलब होता है अर्निंग, ई मतलब अर्निंग, अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे कमाई कितना हुआ, राइट बहुत बात नहीं, वन का जगह पे तो वन ही होगा, यस और नो? चलो बच्चे बोलते सर वन का मतलब क्या है, पर क्लास खत्म हो गया, चलो वन का मतलब क्या दात यार, बी का फुल फॉर्म को बताओगे, बी को हम लोग क्या सिंबलाइज करें, अच्छा सुनिएगा प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंशन रेशियो, प्लीज सुनो यार, रिटेंशन रेशियो का मतलब क्या है, रिटेंशन रेशियो का मतलब है कि जैसे कंपनी में 100 रुपया हुआ, समझे बाबू, अब 100 रुपया में हम 80 रुपया डिविडेंड दे दिए तो मेरे पास बच कितना गया 20, अगर 100 रुपया कंपनी में कमाई होगा उसमें 80 अगर हम बांट दे रहे तो बच कितना आ रहा 20, बच कितना आ रहा, बच कितना आ रहा, तो जो बच जा रहा है ना, जो उसी को क्या बोलते हैं रिटेंशन, क्या बोलते हैं बाबू रिटेंशन, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल यूज किया गया, हम लोग बी यूज करते हैं, बी मतलब रिटेंशन रेशियो, बी मतलब रिटेंशन, तो रिटेंशन रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर रिटेंशन का अमाउंट क्वेश्चन में दे देगा तब तो अच्छा बात है, तब तो अच्छा बात है, अगर नहीं दिया रिटेंशन तो निकाल लेंगे उसमें से डिविडेंड माइनस करेंगे, देखिए जैसे 100 रुपया कमाए उसमें से 70 रुपया बांट दिए डिविडेंड दे दिए तो बच कितना गया जी, बच कितना गया, बच कितना गया, यस। उसके बाद के का फुल फॉर्म, के का फुल फॉर्म क्या बात है, वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आर का फुल फॉर्म बाप रे रेट ऑफ रिटर्न। छोटा सा सम सब लोग करने जा रहे हैं जो कि 2 CU BCOM ऑनर्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, तो ये सॉरी ये 2019 जनरल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन आपको दिखता होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन, निकाल के दिखाइए ना, निकाल के द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ एक्स, एक्स लिमिटेड, एक्स सुबह पढ़ने आ रहे तो एक्स मिल जा रहा, शाम पढ़ने आ रहे तो एक्स मिल जा रहा, एक्स लिमिटेड यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल, विच मॉडल गॉर्डन्स, एक बार नाम जरूर पढ़ लेना बाबू, वॉल्टर है कि गॉर्डन, 10 मार्क्स योर शॉट है यहाँ से, गॉर्डन है कि वॉल्टर है, नाम जरूर पढ़ लिया, गॉर्डन मॉडल है ना, तो गॉर्डन होगा तो ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, और इसका बड़ा बड़ा सम्स भी हम लोग वीडियो में किए हैं तो जाकर लिंक में देख लीजिएगा, एक बार रिविजन करा रहे आपको हम। अच्छा टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 10 लाख, टोटल इन्वेस्ट कितना किए थे 10 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है बोलिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000, 50,000 शेयर था, 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, 2 लाख कमाई हुआ, टोटल अर्निंग कितना है 2 लाख, कितना है 2 लाख, कितना है 2 लाख, टोटल अर्निंग है 2 लाख, अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है जी 16%, अ पे आउट रेशियो, पे आउट मतलब दे कितना देते हैं 40, दे कितना देते हैं, दे कितना देते हैं, मतलब 100 रुपया अगर कमाते हैं तो 40 रुपया दे देते हैं, तो बचाते कितना है 60, बचाते कितना है 60, ये सारा डेटा को पहले पढ़ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन को ना पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद आगे का चीज को हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो एक एक करके निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग का अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर कितना होगा, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, तो भाइयों और बहनों कमाई कितना हुआ 2 लाख, देखिए ना अर्निंग पर शेयर नहीं दिया हुआ ना क्वेश्चन में, अर्निंग पर शेयर बोल करके तो नहीं लिखा हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर नहीं दिया हुआ है तो निकाल लीजिएगा, कैसे निकालेगा देखिए, टोटल अर्निंग प्लीज ध्यान दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल अर्निंग कितना है बोलिए और शेयर कितना है, तो एक शेयर का ऊपर कमाई कितना होगा, कोई दिक्कत, यहीं से खेला शुरू है, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो, अच्छा बताइए टोटल रिटेंशन रेशियो इसमें कितना है, क्वेश्चन में बोला है 60% पे आउट है, बोला ना 40% क्या बाबू पे आउट, क्वेश्चन में बोला कि 40% हम लोग पे कर दिए, 40% क्या कर दिए मित्रों पे, तो पे आउट रेशियो है 40%, तो इसको रिटेंशन कैसे होगा, 1 माइनस क्या बाबू डी, 1 के जगह पे 1 और डी के जगह पे डिविडेंड, पे आउट कितना है 0.0, पे आउट बोला है ना क्वेश्चन में, पे आउट कितना परसेंट है 40,
तो अगर पे आउट आपका 40 है तो रिटेंशन कितना होगा बताइए। देखिए 0.4 है ना, तो ये कितना है 0.6। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है बोलिए। तो अगर आपका पे आउट है, आप समझिए पे रिटेंशन कितना होगा, 1 माइनस डी डी क्यू सर, टोटल कमाई अगर एक मान लिया और डिविडेंड का वैल्यू अगर 0.4 है तो बताइए रिटेंशन कितना होगा, 0.6। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या बाबू, के कितना परसेंट है बोलिए, नहीं बोलिएगा ना, 16% के है, 16% वो कैसे लिखें, 0.,  कोई दिक्कत, 16/100। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न, आर चाहिए ना, आर के बिना सम्स कैसे बनाइएगा, तो रेट ऑफ रिटर्न तो आपको चाहिए, तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेगा, देखिए हम टोटल इन्वेस्ट कितना किए थे, 10 लाख हम इन्वेस्ट कितना किए थे, 10 लाख, और कमाई कितना हुआ, 2 लाख। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए टोटल इनकम कितना है, 2 लाख डिवाइडेड टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख, 2 लाख बाय 10 लाख कितना होगा जी, इंटू 100 परसेंटेज में आएगा इसका आंसर 20% ना, तो रेट ऑफ रिटर्न को 20% को ऐसे लिख सकते 0.2, हाँ कि नहीं, बस फॉर्मूला में बैठाएंगे आंसर लगाएंगे, ई की जगह पे कितना होगा बोलो, नहीं बोलोगे, 1 की जगह पे 1, बी की जगह पे 0.0, उसके बाद के जगह पे, बी की जगह पे 0.6 ना, इंटू आर की जगह पे 0.,  सॉल्व कर दीजिए ना, 0.16 माइनस बाबू कितना, 0.6 इंटू 0.2 करिए कितना आ रहा है, 0.12 कितना आएगा बोलिए, ऊपर वाला पार्ट बोलिए, नीचे वाला 2, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर बोलिए, पक्का 40 रुपये। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, सब कुछ तो ठीक था सर, फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिए, देखिए अर्निंग कितना था, एक शेयर पे अर्निंग कितना हुआ, 4 रुपये, कोई दिक्कत है बोलिए। उस अर्निंग में से रिटेंशन कैसे निकालेंगे, डिविडेंड पे किए कितना परसेंट, 40%, अगर पे 40 किए तो बचाए कितना हो बोलो, तो 1 माइनस डी 1, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, एंड इफ द डिविडेंड इज 0.4 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिटेंशन, 0.6, सो यू हैव रिटेन 0.6, यस और नो गाइस। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% था ना, उसको 0.16, कोई दिक्कत। और रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाले सर, अरे बाबा कमाई कितना हुआ, 2 लाख, इन्वेस्ट कितना किए थे, 10 लाख, अगर 10 लाख रुपया में 2 लाख कमाई होता है तो कितना परसेंट हो गया, 20%, यस और नो, तो 20% को छोटा वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया 0.2, फॉर्मूला में बैठा दिया, आंसर आ गया, यस और नो, कॉपी करिए ना प्लीज़।